Hello children, today we are going to read the story Bamboo Curry, class 5th, unit 1, chapter 3rd, and then we will discuss all the exercise given at the end of the chapter. Bachcho, bamboo kya hota hai? Bamboo ko hindi mein bolte hain bans, jaise ki aap image mein dekh pa rahe hain. To is story mein bataya gaya hai ki bamboo ke kis part se hum bamboo curry bana sakte hain, ek delicious dish bana sakte hain. Okay? Let's start. Have you ever eaten a dish made of bamboo? क्या आपने कभी बेम्बू से बनी हुई डिश खाई है? अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया है made of. बच्चों एक होता है made of और एक होता है made from. आपको दोनों को ध्यान रखना है और दोनों के जो यूजेज हैं उनको भी ध्यान रखना है. हम कब made of यूज करते हैं और कब made from यूज करते हैं ये आपको ध्यान रखना है. जब मटेरियल चेंज हो जाए तब हमें मेड फ्रॉम यूज़ करना है और जब मटेरियल चेंज ना हो तब हमें लिखना है मेड ऑफ. फॉर एग्जांपल चेयर्स आर मेड ऑफ वुड. चेयर्स लकड़ी से बनाई जाती है. ओके अब चेयर्स बनने से पहले भी वो लकड़ी होती है और चेयर्स बनने के बाद में भी वो लकड़ी ही होती है. यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेड ऑफ. बट पनीर इज मेड फ्रॉम मिल्क. पनीर दूध से बनाया जाता है. अब यहाँ पर केमिकल चेंजेस हुए हैं. मिल्क पहले होता है लेकिन जब वो पनीर बन चुका होता है तब उसमें मिल्क वाली बात नहीं होती. वो पनीर बन चुका होता है उसमें केमिकल चेंजेस हो चुके होते हैं. मटेरियल चेंज हो चुका होता है तब हम क्या यूज करेंगे मैड फ्रॉम. तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब हम मैड फ्रॉम यूज करेंगे और कब मैड ऑफ. जब केमिकल या मटेरियल चेंज हो जाए तब हमें यूज करना है मैड फ्रॉम और जब हमें जब मटेरियल चेंज ना हो तब हमें लिखना है मैड ऑफ. ओके इसको आपको ध्यान रखना होगा. एक वर्ड आया है डिस. डिस मीन्स थाली, थाली लगाना या पकवान. यानी कि ये नाउन भी होता है और इसको हम एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं. आर्टिकल ऑफ फूड उसको भी हम डिस बोल सकते हैं. ओके इसके बाद बच्चों आगे है ये जो ईटन वर्ड है ना ये ईट की थर्ड फॉर्म है. ईट मींस खाना ये वर्ब है और ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज की गई है. लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बेम्बू कैन बी कुकड एंड ईटन. कि आओ पढ़ें इस स्टोरी को और ढूंढें कि बेम्बू के किस पार्ट को पका सकते हैं और खा सकते हैं. ओके यहाँ पर एक वर्ड आया फाइंड आउट मीन्स टू सर्च ढूंढना. ओके इसके बाद में बच्चों अब चलते हैं हम स्टोरी की तरफ. वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ब्राइड ग्रूम कुकड ए स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर. पहले बच्चों आप संथाल को समझ लीजिए. संथाल इज ए ट्राइब ऑफ इंडिया. संथाल भारत की एक जनजाति है जो कि बिहार झारखंड राज्य में निवास करती है. और एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए संथाली एक भाषा भी है जो भारत में बोली जाती है. ठीक है संथाली, संथाली एक लैंग्वेज है और संथाल एक जनजाति समूह का नाम है. ओके तो एक दिन संथाल जनजाति का दूल्हा अपने ससुराल गया और उसकी सास ने उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाई. ओके वन डे मीन्स एक दिन. मदर इन लॉ मीन्स क्या होता है सास. ओके ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा. ठीक है ए मैन हु हैज़ रिसेंटली बीन मैरिड जिसने अभी भी शादी करी हो उस व्यक्ति को बोलते हैं ब्राइड ग्रूम. ओके स्पेशल मीन्स विशेष और डिस मीन्स पकवान या फिर थाली, थाली लगाना. ओके ये नाउन और वर्ब दोनों होता है. विजिट मीन्स गो टू सी देखने जाना. ठीक है मिलने जाना मुलाकात करने जाना. ओके इसके बाद में आगे है दिस करी इज डिलीशियस व्हाट इज इट. कि यह करी बहुत स्वादिष्ट है यह क्या है. डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट पैलेटेबल एक वर्ड होता है पैलेटेबल पी ए एल ए टी ए बी एल ई. ओके मीन्स स्वादिष्ट या डिलीशियस. द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बेम्बू डोर. मदर इन लॉ ने बेम्बू डोर की तरफ इशारा किया. डोर मीन्स दरवाज़ा. पॉइंट मीन्स इशारा करना या फिर बिंदु. एज ए नाउन इट मीन्स बिंदु और एज ए वर्ब जब इसको यूज़ करते हैं तब इसका मतलब होता है इशारा करना. मीन्स पॉइंट
वर्ब और नाउन दोनों होता है। बच्चों आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो एज ए वर्ब भी यूज किए जाते हैं और एज ए नाउन भी यूज़ किए जाते हैं। ओके, इसके बाद में बच्चों आगे है, नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देर वॉज नो बेम्बू इन हीज विलेज। अगली सुबह जैसे ही वह जाने वाला था उसे याद आया कि उसके गांव में बम्बू नहीं है। ओके, अब यहां पर एक वर्ड आया है रिमेंबर, मीन्स याद करना, रिकॉल करना, कॉल टू माइंड। ओके, सो ही रिमूव्ड द बेम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। इसलिए उसने बेम्बू डोर को हटाया और अपने साथ उसको गांव ले गया, अपने घर ले गया। सो मीन्स इसलिए, रिमूव मीन्स होता है डिस्प्लेस कर देना, ट्रांसफ़र कर देना, मूव कर देना, हटा देना। ओके, होम मीन्स घर और डोर मीन्स दरवाज़ा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है, ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मैक करी विद दीज बेम्बू डोर। जब वो अपने गांव पहुंच गया तब उसने अपनी वाइफ से कहा कि इस बेम्बू डोर से करी बनाओ। ओके, मैक मीन्स बनाना और विद मीन्स साथ, वाइफ मीन्स पत्नी। तो अपनी पत्नी से उसने ऐसा कहा कि इस बेम्बू डोर से आप करी बनाओ। ओके, सी वाज शॉक्ड, वह चौंक गई, शॉक मीन्स चौंकना या फिर बिजली का झटका लगना, इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, तो शॉक मीन्स चौंकना या बिजली का झटका लगना, तो वह चौंक गई। हाउ कैन आई मैक करी आउट ऑफ ए बेम्बू डोर, एक बेम्बू डोर से मैं कैसे करी बना सकती हूँ। ओके, मैक मीन्स बनाना, डोर मीन्स दरवाजा। कम आई हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बेम्बू ही सैड, तो उस ब्राइड ग्रूम ने कहा कि आओ मैं आपकी हेल्प करूँगा, मदद करूँगा बेम्बू को चॉपिंग करने में, बेम्बू को काटने में, स्लाइस करने में। चॉप मीन्स स्लाइस करना, कट करना, टुकड़े टुकड़े करना। ओके, नेक्स्ट है, हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, चॉपिंग करने के बाद में जब वो करी बना रही थी तब उसकी वाइफ ने उस करी को बहुत उबाला, ठीक है। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, जब ब्राइड ग्रूम ने मीन्स उसके हस्बैंड ने उस करी को टेस्ट किया, ही सेड, तब उसने कहा इट्स टू हार्ड टू ईट, कि खाने में यह बहुत हार्ड है। यू डोंट नो, आप नहीं जानते हाउ टू कुक, कि इसको कैसे पकाते हैं, मीन्स बेम्बू करी आपको बनाना नहीं आता। वाइफ मीन्स पत्नी, बॉयल मीन्स उबालना या उबलना, और इसका मतलब फोड़ा भी होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बॉयल मीन्स फोड़ा भी होता है। इसके बाद में है नेक्स्ट वर्ड लेटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है बच्चों, ध्यान रखना। एक होता है लेटर, ये इट मीन्स जब हमें टाइम को रेफर करना हो, ठीक है, तब हमें ये वाला लेटर यूज़ करना है। लेटर मीन्स क्या होता है, बाद में, ठीक है। एक लेटर होता है एल ए डबल टी ई आर, ठीक है, इसका मतलब होता है जब दो में से बाद वाले को रेफर करना हो ना, तब हमें ये वाला लेटर यूज़ करना है, मीन्स बाद वाला, ठीक है। एक लेटर होता है एल ई डबल टी ई आर, लेटर मीन्स पत्र। ओके, टेस्ट मीन्स चखना, हस्बैंड मीन्स पति, और नो मीन्स जानना, हाउ मीन्स कैसे। ओके, हीज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, जब उसके हस्बैंड ने मीन्स ब्राइड ग्रूम ने ये कहा कि आपको बेम्बू करी नहीं बनाना आता, तब उसकी वाइफ ने उसमें और पानी ऐड कर दिया और फिर से उसको खूब उबाला। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट, उसके बाद में उसके हस्बैंड ने मीन्स ब्राइड ग्रूम ने कहा कि ये अभी भी बहुत हार्ड है, मैं इसको नहीं खा सकता। टू मीन्स भी, यह एडवर्ब होती है। ओके, द इनलॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, कि उस शाम को उस ब्राइड ग्रूम के सास ससुर उसके घर पर उनसे मिलने आए। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिसनेस, वे सभी उसकी मूर्खता पर हंसे। फुलिसनेस मीन्स क्या होता है, मूर्खता। ओके, लाफ मीन्स हंसना, ये सेकेंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट टेंस है। द मदर इन लॉ सैड, सास ने कहा डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम ए बम्बू डोर, कि क्या आप नहीं जानते थे कि करी बम्बू शूट से बनाई गई थी, बम्बू डोर से नहीं। मीन्स, बच्चों कुछ समझ में आया आपके, कि जब
वो ब्राइडग्रूम अपनी सास के घर गया था, तब उसने वो करी खाई थी, तब उसकी सास ने उस बेम्बू डोर की तरफ इशारा किया था, तब ब्राइडग्रूम ने सोचा कि ये इस डोर से ही बनाई गई है और वो डोर लेकर के आ गया। जबकि उसकी सास का मतलब ये था कि जो बेम्बू सूट होता है उससे ये करी बनाई है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि सूट क्या होता है। सूट मीन्स क्या होता है, गोली मारना, है ना। यहाँ पर इसका मतलब है जो ज़मीन से ऊपर जो निकला भाग होता है ना किसी भी पेड़ का, उसको सूट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ए न्यू ब्रांच, जो नई नई ब्रांचें निकलती हैं किसी पेड़ की टहनियों पर, उसको बोलते हैं सूट, ओके। तो उन नई नई टहनियों से वो करी बनाई गई थी, जबकि ब्राइडग्रूम ने सोचा कि ये बम्बू डोर से ही बनाई गई है, इसलिए वो उसको घर पर लेकर के आ गया। तो बच्चों अब आप जान गए कि बम्बू करी बम्बू सूट से बनती है, बम्बू डोर से नहीं, ठीक है। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मुझे बहुत मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं जो इसके बाद में दी हुई है। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। हमें मीनिंगफुली इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है, द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बेम्बू। क्या आ जाएगा इसमें, बेम्बू। एंड देर वॉज नो बेम्बू इन हिज विलेज। जो ब्राइडग्रूम है वो अपने सास के घर से वो डोर लेकर के आया था क्योंकि उसके गांव में कोई बेम्बू नहीं था। नेक्स्ट है, द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बेम्बू करी इन द एंड बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू बी ईटन। अंत में ब्राइडग्रूम बेम्बू करी नहीं खा पाता क्योंकि वह बहुत हार्ड होती है खाने में, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्ड हंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में आए वर्ड से हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है, द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हिज मदर इन लॉ, ठीक है। ब्राइडग्रूम मदर इन लॉ से मिलने गया था। सेकेंड है, द मदर इन लॉ पॉइंटेड द बेम्बू डोर, तो यहाँ जाएगा एट, ओके, कि बेम्बू डोर की तरफ उसने इशारा किया था। थर्ड क्वेश्चन है, ही स्टेड द नाइट विद हिज इन लॉज, वह अपने इन लॉज के साथ में रात को रुका। फोर्थ है, ही कैरीड द बम्बू डोर बैक विद हिम, यहाँ जाएगा बम्बू डोर, वह अपने साथ बम्बू डोर लेकर के आया। फिफ्थ है, द करी वॉज मैड फ्रॉम बम्बू शूट, ओके, यहाँ आ जाएगा फ्रॉम। तो बच्चों मैड फ्रॉम और मैड ऑफ आप समझ गए होंगे, मैड फ्रॉम तभी यूज़ करना है जब केमिकल चेंजेस हो जाएं, मटेरियल चेंजेस हो जाएं। अब यहाँ पर जब करी बन चुकी होती है ना, तब बम्बू सूट में मटेरियल चेंज हो चुका होता है। तो आपको इस चीज़ को ऐसे समझना है कि जहाँ पर मटेरियल चेंज हो जाए, मींस वापस पहले वाला मटेरियल हम प्राप्त नहीं कर सकते, तब वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैड फ्रॉम का। और यदि हम पहले वाला मटेरियल वापस प्राप्त कर सकते हैं, तब वहाँ पर यूज़ करेंगे मैड ऑफ का। जैसे कि चेयर, चेयर बन गई लेकिन चेयर से हम वापस लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैड ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन पनीर बनने के बाद में हम पनीर से वापस मिल्क प्राप्त नहीं कर सकते, तब हम वहाँ पर मैड फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो दोनों सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी, कहाँ पर हमें मैड फ्रॉम यूज़ करना है और कहाँ पर हमें मैड ऑफ यूज़ करना है। तो बच्चों आपकी स्टोरी और एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिए और साथ में मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।